हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास ऑफ क्लास 12, चैप्टर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव मेथड्स, दैट इज प्री रिप्रोडक्शन एंड देन रिप्रोडक्शन एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सो प्री रिप्रोडक्शन एंड पोस्ट रिप्रोडक्शन, तो हम इनके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो इस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरे के पूरे चैप्टर की, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी प्रोसेसेस करनी है और कैसे कैसे वो आगे बढ़ेंगे हम इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। सबसे पहले आ गया फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक सिंपल प्लांट है जिसमें कि अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं। एक होती है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो इसमें क्या आ जाता है, गाइनोशियम दिस इज़ द फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम दिस इज़ द मेल पार्ट। फीमेल पार्ट में आगे इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में आ जाते हैं स्टेमन्स, स्टेमन्स में 2 पार्ट्स हैं आगे, फिलामेंट्स एंड एंथर्स। गाइनोशियम को कार्पल और पिस्टिल भी बोलते हैं और एंड्रोशियम को स्टेमन्स बोलते हैं। तो ये इनकी अदर नेम है, अगर ये नाम भी आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लिख सकते हो सेम। उनके अलावा ये तो दोनों इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड्स होती हैं एक फ्लावर में। इसके अलावा जो आती हैं वो आती है 2 वर्ल्ड्स, दैट इज़ कैलिक्स एंड करोला। अब कैलिक्स और करोला कौन सी होती है? कैलिक्स होते हैं जो सेपल्स, ग्रीन कलर का पार्ट यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है, नीचे लगा होता है फ्लावर के साइड पे। और जो करोला होता है वो होते हैं पेटल्स जो कलरफुल होते हैं, और यहाँ पे सेंटर में होती है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट, और यहाँ पे एंथर्स और फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और यहाँ पे नीचे आ जाती है ओवरी। ये हो गए गाइनोशियम के पार्ट। देन उसके बाद आ जाता है फ्लावर कहाँ से आया, प्लांट से। प्लांट्स कहाँ से आते हैं? सीड से, ठीक है। तो ये भी एक साइकिल है जो यहाँ पे दिखाया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट, अब ये जो बन जाते हैं, ओवरी बन गई यहाँ पे, है ना, मैंने अभी बताया कि ये वाले पार्ट में ओवरी प्रेजेंट है। ओवरी से क्या बनते हैं नेक्स्ट स्टेप में? ओव्यूल्स। जब ओव्यूल्स बन गए देन वहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, उसका क्या नाम होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा मतलब लार्ज, लार्ज मतलब ओवरी बनेगी। अब इसमें ये जो फीमेल वाला पार्ट डेवलप होएगा, सारा ये मेथड्स दिए हुए हैं, इससे इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट आ गया, दूसरी तरफ दिया हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब मेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट एंड दिस इज द मेल पार्ट। अभी यहाँ पे फिलामेंट और एंथर्स बने थे, फिलामेंट और एंथर्स के बाद एंथर्स जो होते हैं वो बाइलॉब्ड होते हैं। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि वो इस तरह के होते हैं, तो ये बाइलॉब्ड है क्योंकि 2 लॉब्ड बने हुए हैं एंड हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जब इसको हम सेंटर में से ब्रेक करते हैं तो इसमें से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया निकलते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ से निकलेंगे। अब इनकी जो प्रोसेस होती है, ये बनते हैं जैसे, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। देन उसके बाद आ गया नेक्स्ट। अब हम इनकी प्रोसेसेस जो होती हैं इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे करते हैं। ये देखो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इनकी डिटेल में स्टडी करनी है हमने। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC जिसको हम बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में MMC। मियोसिस हुई तो क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर माइटोसिस हुई, क्या बना? पोलन ग्रेन्स। एंड देन वहाँ पे क्या बन रहे हैं? 1 वेजिटेटिव सेल्स एंड 2 मेल गैमेट्स। मतलब एक उसमें से वेजिटेटिव सेल होएगा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, दूसरे मेल गैमेट्स बन जाएंगे 2। फिर वो मेल गैमेट्स क्या करेंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से क्या होएगा? पोलन जर्मिनेशन होएगी, राइट। पोलन जर्मिनेशन से क्या बनेंगे? पोलिनेशन से पोलन जर्मिनेशन हुई, देन वहाँ से क्या हो रही है? डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो रही है। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे 2 प्रोसेसेस होती हैं,
एक होती है ट्रिपल फ्यूजन, एक होती है सिनगैमी। अब यहाँ पे जो दो मेल गैमेट्स हमने पढ़े थे, ये दोनों मेल गैमेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन इन दोनों में हेल्प करते हैं। एक मेल गैमेट सिनगैमी के लिए यूज़ हो जाता है, दूसरा मेल गैमेट ट्रिपल फ्यूजन के लिए यूज़ हो जाता है। देन ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद उसमें क्या आ गया, देखो टू पोलर न्यूक्ली प्लस वन मेल गैमेट, तो वो थे ना यहाँ पे, एक यहाँ पे यूज़ हो गया, यहाँ पे एग के साथ फ्यूजन कर लिए एक मेल गैमेट ने। अब टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमेट, टोटल कितने हो गए, थ्री, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे एक एग है और एक मेल गैमेट है, दो है ना, तो इसको हम बोलते हैं सिनगैमी, सेम गैमेट से दोनों, मतलब एग प्लस वन मेल गैमेट मिलके क्या बनाते हैं, जायगोट, टू एंड डिप्लॉयड इन नेचर। अब जायगोट से क्या बनेगा, अब उसकी पूरी, जैसे कि हमने पढ़ा कि जायगोट ऐसा हो जाता है ना फिर, तो यहाँ पे उसकी जो ऐसी नेक होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सस्पेंसर, और जो एम्ब्रियो बनता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, और ये प्रोसेस से जो उसको क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा उसमें से, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनता है, अगेन सीड, सीड से प्लांट, प्लांट से फ्लावर। क्लियर है सबको ये? अब आपको जनरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है कई बार कि जो स्टाइल ओवली नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है, ओव्यूल्स, राइट। देन उसके बाद आ जाता है, ये तो हमने स्टेप सारे कर लिए, यहाँ पे जो बना टू पोलर न्यूक्लियस प्लस मेन मेल गैमेट, तो ये क्या बना देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, जहाँ पे न्यूक्लियस बन गया बाहर सेल भी बन जाएगा, तो ये सेल बन गया एंडोस्पर्म का, फिर उससे भी क्या बन जाता है, सीड, राइट। नेक्स्ट देखो मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है उसमें सबसे पहले अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल, जैसे यहाँ पे बना था ना माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे भी मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। फिर मियोसिस होती है, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ पे भी सेम हुई थी, क्या बन गए, चार मेगास्पोर्स, यहाँ पे भी मेगास्पोर टेट्राड बना था, टेट्राड मतलब भी चार होते हैं। देन थ्री डीजनरेट एंड वन रिमेन फंक्शनल, इसमें से तीन जो है वो डीजनरेट कर जाते हैं, मतलब उनकी वॉल टूट जाती है, वो गायब हो जाते हैं, और एक जो है वो फंक्शनल रहता है, तो जो वो आगे आ गया उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। फिर तीन टाइम माइटोसिस होती है, यहाँ पे माइटोसिस हुई थी नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे मेगास्पोर बनने के बाद थ्री टाइम्स माइटोसिस होती है, तो उससे क्या बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल्ड एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड, मतलब सेवन सेल्ड होता है वो एम्ब्रियो सैक, और उसमें आठ न्यूक्लियस होते हैं, आठ न्यूक्लियस में वैसे तो सात में सात होने चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, तो वो एक एक्स्ट्रा, ये जो ट्रिपल फ्यूजन में पड़ा था ना, ये वही वाला है। अब यहाँ पे एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल्ड, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा ऐसे बना होता है, ये उसका एक एंड है, ये सेंटर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला एंड है, तो यहाँ पे अलग अलग सेल्स होती हैं, ये जो तीन सेल्स होते हैं ये होते हैं यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स, थ्री सेल्स फ्रॉम द एंटीपोडल सेल्स। फिर टू पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेंटर में। अब जो थ्री सेल्स हैं फ्रॉम द एग अपरेटस, मतलब यहाँ पे तीन सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसमें एक एग होता है और टू सिनर्जिड्स होते हैं। तो ओवरऑल जो जितनी भी जैसी भी प्रोसेस होती है ये मैंने आपको डिटेल में बता दी यहाँ पे, लेकिन हम इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे विद पर्टिकुलर एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स। तो ये एक शॉर्ट समरी थी जो पूरे ओवरव्यू दिया चैप्टर का, कि ऐसे वो दिया होता है, पूरे चैप्टर में हम इन सब के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फ्लावर्स के बारे में, साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फ्लावर्स वो होते हैं जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों इन्वॉल्व हो, उस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल। एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर दैट इज बॉर्न ऑन फ्लावर, फ्लावर के ऊपर ही दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो बॉर्न होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब जो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर है उसमें चार वर्ल्ड्स होती हैं, अभी बताया, फोर वर्ल्ड्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स में क्या इंक्लूड हो जाता है, सेपल्स, करोला में पेटल्स, एंड्रोशियम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनोशियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है कि ये बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मतलब जो बर्ड होता है उसको बचा के रखते हैं ताकि कोई भी बाहर से चीज़ आके इस पर अटैक ना करे और इसको हार्म ना करे। नेक्स्ट आ गया करोला,
क्रोला अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। अब जैसे हमें पता है कि पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं, ऑरेंज येलो है ना, तो ये कलर्स की होती है। ये कलर अट्रैक्ट करने के लिए होता है इंसेक्ट्स को, ताकि वो आके यहाँ पे पॉलिनेशन करें। नेक्स्ट आगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अभी हमने डिस्कस करा था कि इसमें स्टैमेंस प्रेजेंट होते हैं, तो स्टैमेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ द एंथर बाइलोब्ड 4 माइक्रोस्पोरेंजाइल, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था। ये देखो ये एलिस ऑफ फ्लावर है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ड्रॉ करने के लिए, तो मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इसमें। देन उसके बाद आ गया यहाँ पे नेक्टेरिफेरस एरिया, मतलब यहाँ पे नेक्टर प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स के खाने के लिए। ये खाने के लिए जो इंसेक्ट्स है वो यहाँ स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो जब वो यहाँ पे आके बैठते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है वो शेड कर देते हैं अपने, जो शेड कर देते हैं पोलन ग्रेन्स वो आगे ट्यूब में से होके पास होके यहाँ पे ओवरी में आ जाते हैं। ये जो पार्ट है एंथर का और ये फिलामेंट का, ये दोनों आ जाते हैं मेल पार्ट्स में। एंथर अभी मैंने बताया बाइलोब्ड होता है, जब इसको ऐसे प्रेजेंट होता है इसको काटते हैं, तो कट करते सेंटर में से तो 4 पार्ट्स निकलते हैं। ये जो स्टॉक होती है डंडी जिसको हम बोलते हैं, ये होती है फिलामेंट। सेंटर वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा। देन उसके बाद जो इसकी लॉन्ग नेक है उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। एंड देन उसके बाद आ जाता है ओवरी वाला पार्ट, राइट। और नेक्टेरिफेरस एरिया मैंने बता दिया, नेक्टर फूड जो प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स के लिए। ओवरी यहाँ पे है, ओव्यूल इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो ओवरी के भी जैसे ये है पार्ट्स, तो ये जो पार्ट्स बनेंगे यहाँ पे ये ओव्यूल प्रेजेंट होएगा, अलग अलग चैम्बर्स बन जाते हैं। तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, सेपल्स। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं एक फ्लावर के, इनकी हमने डिटेल में स्टडी करनी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी एक प्रोसेस का नाम था हमने अभी करा, दैट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।